हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट। मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं। पहले हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद उसमें हम टॉपिक वाइज टॉपिक उसको करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए दो सेक्शन हैं, ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है दैट इज डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स। तो फ्रेंड्स, अगर इस सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है। टफ किस वजह से है ये भी मैं आपको बताऊंगा। टफ ये इस वजह से है क्योंकि ये जो हम लोग नॉर्मल जो पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटके है ये सब्जेक्ट। बेसिकली दिस इज नॉट ओनली अबाउट डिवाइसेस, दिस इज नॉट ओनली अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, द मेजर पार्ट ऑफ इट डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इस वजह से क्या है, किसी सर्किटरी को डिजाइन करने में क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या उसमें इनपुट्स चाहिए, क्या क्या आउटपुट्स चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर के ये सब्जेक्ट है, इसको बनाया गया है। और थोड़ा सा ये जो सिलेबस देख के लग रहा है, इसमें क्या है कि अगर बीटेक के सब्जेक्ट की हम बात करें तो बीटेक के सब्जेक्ट का इसमें ईडीसी और एनालॉग दोनों को मिक्स कर दिया है और एक यूनिट डिजिटल की ले ली है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि एएमआई के रेस्पेक्ट में आपको ये सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, इसको लिखेंगे कैसे आपको जब क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी देखे हैं। ज़्यादा टफ नहीं है बट यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस एंड क्वेश्चंस एज वेल एज योर स्टफ, अदरवाइज आप नहीं उसको टैकल कर पाओगे। और किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ध्यान देना है, किस पे नहीं ध्यान देना है। जैसे कि हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस किया है तो वी कैन से कि आपको इतना पढ़ के यू कैन कवर द सिलेबस, ठीक है। तो अब इसको जैसे कि एएमआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में बांटा है इस सब्जेक्ट को, वन इज़ ग्रुप ए एंड सेकेंड वन इज़ ग्रुप बी। तो अब हम इसमें एक एक यूनिट लेके चलेंगे, उसमें कितना आपको पढ़ना है और कौन सी यूनिट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो पहले लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट यूनिट, डेट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू लीनियर आईसी एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा, यू नो वेरी वेल आईसीज किसको बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन टू आईसीज की, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले होगा कि बेसिकली आईसीज क्या होता है। अगर क्वेश्चंस आता है कि प्लीज़ डिफाइन द वेरियस टाइप ऑफ आईसीज, तो आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे, आपको पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली आईसी होती क्या है। आईसी इज योर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी आप एक चिप पे कितने ट्रांजिस्टर, कितने रेजिस्टर्स और कितने डिवाइसेस लगाते हो उस पे डिपेंड करेगा आपकी आईसीज किस फ्रेम में आती है। जैसे कि सबसे पहले आपका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, फिर मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है, फिर आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, एंड देन आपका VLSI आता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो उसके बाद ULSI आता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली आईसीज जो हैं वो आपके, जो आपके हाथ में मोबाइल है, जो आपके हाथ में आजकल ट्रांजिस्टर आप जो यूज कर रहे हो, टीवी यूज कर रहे हो, ये सब आईसीज का बना हुआ है। जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है उसमें उतने ज़्यादा आपकी डिवाइसेस का जो स्पेस है वो कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आईसीज। अगर ये आईसीज ना होती तो आपके पास इतना बड़ा मोबाइल होता और आपके पास बहुत बल्कि डिवाइसेस होती। ये सिर्फ आईसीज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है कि आपकी जो डिवाइस है वो बहुत कॉम्पैक्ट हो गई है। तो आपको सिंपल भाषा में समझना है कि अगर आपका एक ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर दो तरीके से हो सकता है, एक आपका डिस्क्रीट कंपोनेंट हो सकता है ट्रांजिस्टर, और दूसरा हम उसको आईसी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको आईसी में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका साइज बहुत नैरो होगा, डिस्क्रीट का जो साइज होगा वो आपका आप कंपेरेबल होगा, बेसिकली काफ़ी बड़ा साइज होगा, ठीक है। तो आईसीज का ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया यहाँ पे। सेकंड जो टॉपिक है इसमें, जो पढ़ने लायक टॉपिक है, और इसको मैं कहूँगा जो मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, पूरे पेपर का 22-30 पार्ट्स यहाँ से आता है,
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यू कैन नॉट स्किप दिस पार्ट, यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन दिस एरिया। और उसके दो रीजन हैं, फर्स्ट रीजन कि ये बहुत आसान है, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर्स टॉपिक, दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद मिनिमम लेबर, बहुत कम मेहनत में यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सेकेंड थिंग, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, नो नीड टू से, ये जो है काफ़ी बार आएगा आपका, रिपीटेडली आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, AMI में एज वेल एज सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है एंड देयर एप्लीकेशन, पावर सप्लाई रेक्टिफायर, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगर आप लोगों ने मेरे और सब्जेक्ट के वीडियोस भी देखे होंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने देखा होगा या किस और में, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ पे मैं, क्योंकि सिर्फ सिलेबस पे हमारा फोकस है, अभी मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है। ये दो चीज़ों से मिलके बना है, ऑपरेशनल एंड एम्पलीफायर, ठीक है। तो ऑपरेशनल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोग बताएं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें कि ऑपरेशनल मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ऑपरेशन। ऑपरेशन अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो वहाँ पे भी आपका ये वर्ड आया होगा ऑपरेशन। वहाँ पे क्या है, ऑपरेशन मतलब होता है जोड़ना, घटाना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ऑल दीज थिंग्स नोन एज ऑपरेशनल ऑपरेशनल, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होता है, बेसिकली एम्पलीफायर आपका किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, तो जो डिवाइस उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है बेसिकली। मान लिया आपने 5 माइक्रोवोल्ट का एक सिग्नल अप्लाई किया किसी डिवाइस पे, और उसमें उस डिवाइस में गेन इतना है कि उससे मल्टीप्लाई होके वो आपका बन गया 50 मिली वोल्ट का, तो इसमें क्या हुआ, देर इज ए डिवाइस विच इज़ हैविंग एम्पलीफिकेशन, विच इज़ हैविंग गेन, उस गेन से मल्टीप्लाई होके आपके इनपुट मल्टीफोल्ड उसका जो एम्पलीट्यूड है बहुत बढ़ गया है, तो इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। तो बेसिकली ये दो चीज़ों से बन के मिला है, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है, मैटिक ऑपरेशन एंड, या इसको एडिशन सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा क्लियर, पॉइंट वाइज लिख देता हूं मैं, ऑपरेशनल मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, और एम्पलीफायर इंक्रीज गेन, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये एक IC होती है, दिस इज ए IC, ये भी एक IC की फॉर्म में होता है। इस IC को आप अपनी ये बेसिकली क्या है कि कंपोनेंट होता है जिसको हम अपने IC पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सिस्टमेटिक डायग्राम है दैट इज गिवन बाय दिस प्लस माइनस, जो प्लस का टर्मिनल है डेट इज़ कॉल्ड योर इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड जो नेगेटिव टर्मिनल है डेट इज़ कॉल्ड योर, सॉरी, जो प्लस का टर्मिनल है डेट इज़ कॉल्ड योर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो माइनस वाला है डेट इज़ कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। तो प्लस वाले को बोलेंगे आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और माइनस वाले को बोलेंगे इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, हम एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए एडिशन भी यूज कर सकते हैं, एज ए सब्सट्रैक्टर भी यूज कर सकते हैं, एज ए मल्टीप्लायर भी यूज कर सकते हैं, एज ए लॉगरिथमिक एम्पलीफायर भी यूज कर सकते हैं, एज ए डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं, एज ए
इंट्रीगेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं सब सम अप करूं इसको, तो यहां पे एप्लीकेशन जो है एडिशन, ये तो मैंने वहां पे लिखी दिया है। इसके अलावा जो जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। इंट्रीगेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक एम्पलीफायर, फिल्टर, इन सब चीज़ों में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, आपको ये जो टॉपिक है इसको स्किप नहीं करना है, अच्छे से आपको पढ़ना है। ये पहला टॉपिक होगा जिस पे आपको बहुत फोकस करना है, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना फ्रेंड्स, अगर आप लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बेसिकली दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जनरली। एक क्या प्रिफर करते हैं, पूरा पढ़ना होता है, ठीक है, उनको पूरा पढ़ना होता है चाहे वो इम्पोर्टेंट हो ना हो। लेकिन अगर AMI की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ यू वर्किंग होंगे आप में से काफ़ी लोग, और आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाएँ। तो आपको वो चीज़ पढ़नी है, उस चीज़ पर फोकस करना है जहाँ से आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम, चाहे वो हमारा इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हो चाहे वो अपना पर्सनल लाइफ हो। जहाँ पे आप मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल रहा है, दिस इज़ द बेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो इस बेस्ट सिस्टम के लिए आपको ओपैम्प पढ़ना है, ठीक है। थर्ड इज, सेकेंड टॉपिक इज योर पावर सप्लाईज, क्या क्या पावर सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे SMNP होता है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, SMPS, ठीक है, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है पावर सप्लाईज में, आपको SMPS आपको आता है तो दैट इज़ मोर देन सफिशेंट। SMPS पे ही क्वेश्चन आता है क्योंकि हमारे यूज में जो है SMPS ही है, तो नॉर्मली उसी पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं SMPS। प्लीज़ ड्रा द नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ SMPS एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ SMPS, इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत। नेक्स्ट इज योर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है फ्रेंड्स, रेक्टिफायर्स कन्वर्ट्स योर AC सिग्नल इंटू DC सिग्नल, ठीक है। तो रेक्टिफायर का जो बेसिक यूज है वो क्या करता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स फ्रॉम योर AC सिग्नल टू DC सिग्नल और विद द हेल्प ऑफ डायोड। तो बेसिकली डायोड की हेल्प करके, डायोड से हेल्प लेके रेक्टिफायर हम देखें तो बेसिकली दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं जनरली, हाफ वेव एंड फुल वेव। जो AC जो होता है, AC अगर आप लोगों को बेसिक पता होगा तो आपको पता होगा कि AC सिग्नल जो होता है वो सिनोसोइडल के फॉर्म में हम देते हैं, ठीक है। तो उसका जो शेप होता है, इसको मैं हटा देता हूँ बेसिकली समझाने के लिए, यहाँ तक बता दिया है रेक्टिफायर तक। रेक्टिफायर जो AC सिग्नल होता है दैट इज गिवन बाय दिस सिनोसोइडल। तो रेक्टिफायर क्या करता है, अगर हम उसको सिंगल वेव ले लेते हैं, दिस इज योर 1 VI, दिस इज VI, ठीक है। तो ये आपका हाफ वेव डायोड, इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या करेगा, आपके सिर्फ इस पार्ट का आउटपुट देगा, और जब इस पार्ट की बारी आएगी तो ये कट ऑफ हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जो डायोड है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और वो एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, ठीक है। तो दिस विल बिहेव लाइक दिस, ठीक है। ये आपको रेक्टिफायर का बेसिकली क्या है, कन्वर्जन फ्रॉम, ये आप लिख लीजिए AC to DC, ठीक है।
जो आप मोबाइल में जो चार्जर यूज करते हैं दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ रेक्टिफायर, क्योंकि आप उसको क्या है आपके घर की जो पावर सप्लाई है उसमें इंसर्ट करते हो और आप उसको मोबाइल में लगा देते हो तो आपको करंट नहीं लगता है नॉर्मली। आप जब टच करते हो उसको यू नेवर फील, कभी कभी फील हो जाता है बट वो बहुत मिनिमम करंट होता है इन कंपैरिजन टू योर जो घरों की पावर सप्लाई है, ठीक है। अभी कभी आप डायरेक्ट सॉकेट में हाथ डाल के देखिएगा और मोबाइल का चार्जर पकड़ के देखिएगा तो आपको डिफरेंस फील होगा कि जो आपने घर में सॉकेट में उंगली डाली है उसका कुछ अलग इम्पैक्ट था और जो मोबाइल का चार्जर पकड़ा उसका अलग इम्पैक्ट था। इसका कारण यही है क्योंकि जो आपने घर में जो उंगली डाली है वो अल्टरनेट करंट है, एसी करंट है, उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। बट जो डीसी है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है और इसका बेसिकली क्या है, डीसी है, ये डायरेक्ट करंट है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफायर, मुझे नहीं लगता आप रेक्टिफायर भूलेंगे कभी। उसके बाद आता है फिल्टर्स। फिल्टर क्या करता है, वी यूज़ फिल्टर फॉर स्मूथिंग ओवर वेवफॉर्म। बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, एसी की जो वेवफॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है, और डीसी की जो वेवफॉर्म होती है वो ये होती है, ठीक है। तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी से डीसी में कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी जो फाइनल हमें वेवफॉर्म मिल रही है वो ये ना मिलके इस फॉर्म में मिल रही है बेसिकली। तो देर आर सम रिपल्स, रिपल्स हैं यहाँ पे। रिपल्स क्या है, एसी कंपोनेंट्स हैं, वो एसी कंपोनेंट को हटाने के लिए हम फिल्टर्स यूज करते हैं। और फिल्टर्स कितने तरह के हो सकते हैं, फिल्टर्स आपका एल टाइप फिल्टर, एल मतलब इंडक्टर टाइप फिल्टर, कैपेसिटर टाइप फिल्टर और एलसी टाइप फिल्टर, ठीक है। तो जो बेस्ट है दैट इज योर एलसी टाइप फिल्टर। तो एलसी टाइप फिल्टर क्या कर रहा है, आपका रिपल्स रिमूव कर रहा है, कहाँ से, जो एसी से डीसी में कन्वर्जन हुआ है। स्मूथ करने के लिए हमें जो रेक्टिफायर से जो हमें आउटपुट मिलता है उसको स्मूथ करने के लिए वी यूज फिल्टर। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या है ना, एक आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है आप पढ़ने क्या जा रहे हो। बेसिकली आपको जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके माइंड में एक बात रहेगी कि आपको मुझे ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, ये टॉपिक कम पढ़ना है, और बेसिकली मेरा बेसिकली क्या होना चाहिए, फोकस किस टॉपिक की तरफ होना चाहिए और इस पूरे सब्जेक्ट की डिमांड क्या है। ये चीज़ें आपको जब, इसीलिए मैं आपको ये रिव्यू दे रहा हूँ, जब मैं बेसिकली बताऊँगा एक टॉपिक वाइज तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज योर थर्ड टॉपिक इज आईसी वोल्टेज रेगुलेटर एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर। तो बेसिकली अगर देखा जाए फ्रेंड्स, अगर वोल्टेज रेगुलेटर ही हम देखें, वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इनपुट पे कुछ चेंजेस किए या आउटपुट पे कुछ लोड चेंज किया तो आपकी जो फाइनल आउटपुट है दैट शुड नॉट बी चेंज, ठीक है। और रेगुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, इससे बहुत सारे पीएसयू में क्वेश्चन आते हैं, इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विस तक में क्वेश्चन आते हैं, पिछले साल 2018 में भी इसमें क्वेश्चन आया था। रेगुलेशन परसेंटेज रेगुलेशन इज गिवन बाई वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल, ठीक है। V नो लोड, एन एल मतलब नो लोड कंडीशन में है, नो लोड, एफ एल मतलब फुल लोड, ठीक है। तो ये इस, तो बेसिकली अब देखो इसको क्या किया इन्होंने, दो भागों में डिवाइड कर दिया, वन इज योवर। ये सब्जेक्ट आईसीज के बारे में ज़्यादा है बेसिकली, ये एप्लीकेशंस के बारे में ना होके आईसीज के फॉर्म में, और एक नॉर्मल डिस्क्रीट सिग्नल,
सॉरी डिस्क्रीट सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो आईसीज है, जो वोल्टेज रेगुलेटर की आईसीज है वो क्या होती है, कैसे होती है, और आपका नॉर्मल जो वोल्टेज रेगुलेटर होता है जैसे जिनर डायोड इज द एग्जांपल ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, जिनर डायोड हम पढ़ेंगे एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और आईसीज पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फिर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, निगेटिव रेगुलेटर, तो इसमें ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट इज योर एम्पलीफायर, एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एंड नॉन एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग डिफरेंशियल, दिस वन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एम्पलीफायर क्या होता है फ्रेंड्स, एम्पलीफायर यूज टू इंक्रीज योर गेन, ठीक है, एम्पलीफाई कर देना किसी चीज को। दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज इन्वर्टिंग एंड सेकेंड इज नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। इन्वर्टिंग मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था, नॉन इन्वर्टिंग मतलब आपका जो ओपेम्प है, दिस इज माइनस दिस इज प्लस दिस इज योर आउटपुट, ठीक है। आपका जो ओपेम्प है अगर आपकी इनपुट निगेटिव टर्मिनल पे लगी हुई है तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ठीक है। अगर आपकी इनपुट निगेटिव पे ना लग के पॉजिटिव पे लगी हुई है तो दिस इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग। बेसिकली ओपेम्प में दो टर्मिनल होते हैं, वन इज योर निगेटिव टर्मिनल डेट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिंग टर्मिनल, एंड सेकेंड वन इज योर पॉजिटिव टर्मिनल डेट इज कॉल्ड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इनपुट अगर टर्मिनल नॉन इस पे माइनस वाले पे लगता है तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, और प्लस वाले पे लगता है तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दीज आर द एप्लीकेशंस, बेसिकली ये सिलेबस थोड़ा सा रिपीट हो रहा है। ये सिलेबस में क्या है कि एक एक टॉपिक को दो दो तरीके से पूछा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें पूछा हुआ था, उसमें दिया हुआ था ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक है दैट इज योर एम्पलीफायर एंड इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर लॉग एम्पलीफायर। तो ये सारे किससे यूज हो सकते हैं, किससे बन सकते हैं, वी कैन मेक इट बाय यूजिंग योर ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन सी, थोड़ा सा कम मेहनत करके अगर आपको ओपेम्प पता है, ओपेम्प के फंडा पता है, ओपेम्प के एप्लीकेशंस पता है, तो आप यू कैन कवर टू यूनिट्स साइमल्टेनियसली, आपकी दो यूनिट तैयार हो जाती हैं फोर्थ एंड फर्स्ट। तो इस फैशन में आपको तैयार करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ने जा रहे हो वो किस किस यूनिट के लिए है। और दूसरी एक खास बात है कि ओपेम्प आपको इस यूनिट में तो पढ़ना ही है, इस सब्जेक्ट में तो पढ़ना है, एक दूसरा सब्जेक्ट है और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उसमें भी पढ़ना है बेसिकली, और उसमें भी काफ़ी वेटेज है। तो आपको ओपेम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो सब्जेक्ट में आ रहा है, और इसके यूजेस भी। तो अब जैसे इंटीग्रेटर है, तो वी कैन मेक इंटीग्रेटर बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस कैपेसिटर हियर, दिस इज योर इंटीग्रेटर, यहाँ पे आपका इंटीग्रेटर बन गया, ठीक है। सॉरी दिस इज योर, यहाँ पे ये हो जाएगा, दिस इज योर इंटीग्रेटर। अगर फीडबैक में आपका कैपेसिटर है तो इंटीग्रेटर हो गया, और इसको अगर दूसरे तरीके से बनाए तो इसको क्या बोलेंगे आप, दिस इज योर इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, चलो देखते हैं डिफरेंशिएटर कैसे बनता है। डिफरेंशिएटर इज, यहाँ पे आपका सी बनाया, दिस इज माइनस दिस इज प्लस दिस इज, अगर आउटपुट में रेजिस्टेंस है तो ये आपका क्या होगा, आउटपुट में अगर रेजिस्टेंस है
इट विल वर्क लाइक ए हाई पास फिल्टर एंड डिफरेंशिएटर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना है। इफ आउटपुट इज हैविंग रेजिस्टेंस देन इट इज ए हाई पास फिल्टर और डिफरेंशिएटर। ठीक है, और अगर आउटपुट में कैपेसिटर है, इट इज योर इंटीग्रेटर और लो पास फिल्टर। ये बात आपको गांठ बांधनी है, ये बात कभी नहीं भूलनी आपको। ठीक है, नाउ नाउ नेक्स्ट इज योर ग्रुप बी। लेट अस सी ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप बी में क्या है फ्रेंड्स, ग्रुप बी इज हैविंग ओसिलेटर एक्सप्रेशन फोर फ्रीक्वेंसी एंड कंडीशन। तो ओसिलेटर्स क्या है, बेसिकली दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक होती है आपकी एम्पलीफायर एंड सेकेंड वन इज ओसिलेटर। तो मैंने अगर ओसिलेटर्स होते क्या है, ओसिलेटर इज डिवाइस विच प्रोड्यूस ओसिलेशंस विदाउट एनी इनपुट। और दूसरी भाषा में कहें, सरल शब्दों में कहें, इट इज अ डिवाइस विच यूज पॉजिटिव फीडबैक, इट इज अ सिस्टम, इट शुड फॉलो बार्क हुसैन criteria for oscillation। ठीक है, तो जो ये लिखा हुआ है ना, एंड कंडीशन फॉर oscillation, तो दिस कंडीशन इज व्हाट, दिस इज द बार्क हुसैन क्राइटेरिया। और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक इज ए एफ इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस ए बीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो अगर हम इसमें वन इज इक्वल टू ए बीटा रख देंगे तो ए एफ क्या हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी। तो जब गेन इन्फिनिटी हो जाएगा तो आप बहुत कम इनपुट में भी यू कैन गेट सम आउटपुट। गेन इन्फिनिटी है तो आपका इनपुट कुछ भी ना हो, यू विल गेट समथिंग, ठीक है, फ्रॉम योर ओसिलेटर। तो ये जो है ए बीटा शुड बी वन एंड एंगल शुड बी 180। तो ये दो कंडीशन जो है इसको बोलते हैं बार्क हुसैन क्राइटेरिया, एंड दीज आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ओसिलेशंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आपको पता लगा, मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, लेट अस सम अप करते हैं। ओसिलेटर जो है इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू प्रोड्यूस ओसिलेशंस विदाउट एनी इनपुट, पहली बात। सेकेंड बात, इट जो अगर सिनोसोइडल ओसिलेटर है, इट शुड फॉलो बार्क हुसैन क्राइटेरिया। ठीक है, आपको सिनोसोइडल ओसिलेटर ही पढ़ना है, नॉन सिनोसोइडल नहीं पढ़ना है। बेसिकली नॉन सिनोसोइडल ओसिलेटर भी होते हैं जो कैपेसिटर का जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है उसकी वजह से काम करता है, बट इन योर सिलेबस जो है आपका यही वाला है। थर्ड जो कंडीशन है दैट इज बेसिकली कितने तरह के होते हैं, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओसिलेटर्स। वन इज ऑडियो फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर, सेकेंड इज वीडियो, एंड थर्ड वन इज वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऑडियो ओसिलेटर का आरसी फेज शिफ्ट ओसिलेटर्स होता है फ्रेंड। सेकेंड जो एग्जाम्पल है वीडियो का आपका
दैट कुड बी योर एलसी टाइप सॉरी हर्टले टाइप ओसिलेटर और कोलपिट ओसिलेटर्स, और जो सबसे अच्छा ओसिलेटर माना जाता है दैट इज योर क्रिस्टल ओसिलेटर, जिसमें हम पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं। बेसिकली आप लोगों को पीजोइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी भी पता होगा, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल एक ऐसा क्रिस्टल है जब आप उस पर प्रेशर डालोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और जब उस पर वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वो एक मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं। इसकी जो सबसे खास बात यह है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्टेबल होता है ये, और एजिंग इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि एक मटेरियल है। तीसरी इसकी बात जो है वो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है एज ए ओसिलेटर्स में, ठीक है। तो जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन सर्किट्स हैं, जैसे कि आपका बेसिकली मॉड्यूलेटर हैं, मॉड्यूलेटर में आप यूज करते हैं उसको, डिमॉड्यूलेटर में यूज करते हैं, इन ऑल दिस सर्किट्स आप जहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको प्रोड्यूस करनी है तो आप क्या यूज करते हो, क्रिस्टल ओसिलेटर। थर्ड इज, सेकेंड इज कम्युनिकेशन सर्किट्स, RF एंड IF। थर्ड टॉपिक आपका, सेकेंड टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन सर्किट्स। कम्युनिकेशन सर्किट्स में आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन सर्किट्स आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा, यू आर हैविंग वन मॉड्यूलेटर, उसके बाद डिमोडुलेटर होता है, चैनल होता है। तो जो मॉड्यूलेटर होता है, जैसे लेट अस से मॉड्यूलेटर है आपका, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे RF सर्किट्स होते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट, रेडियो इनिशियल स्टेज में जो यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स, इंटरमीडिएट स्टेज पे यूज जो होते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सर्किट्स। तो ये सर्किट्स का क्या डिजाइन है इनका और क्या क्या नाम है वो सब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, और इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ वेरी थियोरटिकल वन। और इसमें जो क्वेश्चंस जो पूछे जाएगा आपको, एक बोल दिया जाएगा एक पर्टिकुलर RF सर्किट्स का नाम लेके कि प्लीज़ ड्रा द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ दिस RF सर्किट्स, तो उतना आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज योर एंड लास्ट वन इज डिजिटल काउंटर्स, D2A एंड A2D। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, डिजिटल सिस्टम्स। वैसे तो ये आपको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसका जो ग्रुप बी है उसमें पूरा ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आप जब पढ़ेंगे तो आपका वहाँ पे कवर हो जाएगा, इसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें अलग से एक यूनिट है, तो ये और वो सेम है बेसिकली, ठीक है। बट मैं यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर डिजिटल ना होती तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई अपना अस्तित्व नहीं है बेसिकली। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अपॉन योर डिजिटल सिस्टम्स। बट एक मैं कहूँ कि एक अलग ही बात है कि जो वर्ल्ड है और जो हम कुछ भी कर रहे हैं वो सब एनालॉग है, तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल पे डिपेंडेंट है और ये वर्ल्ड जो है, ये नेचर जो है, ये एनालॉग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इस एनालॉग सिस्टम को, इस एनालॉग सिग्नल्स को, इस एनालॉग वर्ल्ड को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इम्प्लीमेंट करना है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, एंड देन वी हैव टू फेड अप दिस, इस सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में हम फीड करेंगे। तो इन सर्किट्स को, इन जो बेसिकली जो सिग्नल्स हैं, पहला क्या है कि ये वर्ल्ड जो है दिस इज इन एनालॉग फॉर्म, नेचुरली जो है एनालॉग फॉर्म में है, और हमें जो चाहिए आज की डेट में जो बेस्ट है दैट इज डिजिटल, डिजिटल फॉर्म। तो अब बात क्या आई, वी हैव टू कन्वर्ट
फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, और इसी के लिए आपको ये यूनिट पढ़नी है बेसिकली। इसमें जो दो मेजर पार्ट है दैट इज योर ए टू डी कन्वर्टर एंड डी टू ए कन्वर्टर। पहला है ए टू डी कन्वर्टर, इसको एडीसी भी बोलते हैं। सेकंड इज डी टू ए कन्वर्टर, इसको डैक बोलते हैं। ठीक है, तो ए टू डी कन्वर्टर जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और दूसरा है आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ए टू डी कन्वर्टर यहाँ पे दो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है आर टू आर, लैडर और वेटेड। आर टू आर को ही आप लैडर बोलते हैं, वेटेड। डैक जो है आपके बहुत तरह के होते हैं, रैंप टाइप होता है, काउंटर टाइप होता है, सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन टाइप होता है। तो ये सब आपका क्या है, ऑल दीज आर योर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा है और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है। इसके सर्किट्स आपको याद रखने हैं और इसके फंक्शंस आपको याद रखने हैं, इतना आपको याद रखना है इसमें। ठीक है, और जो लास्ट आपका टॉपिक बचा डेट इज योर काउंटर। काउंटर में बेसिकली आपको पढ़ना है काउंटर। काउंटर किस लिए यूज होता है फ्रेंड्स, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये काउंटिंग के लिए यूज होता है, फ्रिक्वेंसी डिवाइड करने के लिए यूज होता है। आपको बेसिकली कोई सर्किट है उसमें आपने काउंटर लगा दिया, तो जैसे आपको किसी आपने एक काउंटर लगा दिया, आपको देखना है कि घर में कितना लोग आते जाते हैं। तो जैसे ये एक फुटफॉल होगा वो काउंट कर लेगा, वन टू होगा, टू थ्री थ्री, तो इस तरीके की उसकी एप्लीकेशंस है। या काउंटर को फ्रिक्वेंसी डिवाइडर भी बोलते हैं, आपको कोई सर्किट है उसकी फ्रिक्वेंसी आपको कम करनी है या डिवाइड करनी है, तो यू कैन यूज़ योर काउंटर देयर। ठीक है, काउंटर भी दो तरह के हो सकते हैं, वन इज योर एसिंक्रोनियस काउंटर एंड सेकेंड वन इज योर सिंक्रोनियस काउंटर। एसिंक्रोनियस काउंटर क्या होता है, एसिंक्रोनियस काउंटर में हम क्या करते हैं, एसिंक्रोनियस काउंटर में जो आपकी क्लॉक पल्सेस है वो अलग, एक इस तरीके का होता है, दिस इज योर, तो ठीक है, तो पहले की जो फर्स्ट आउटपुट ऑफ काउंटर इज बिकम, यहाँ पे आपका दिस इज योर क्लॉक पल्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आप जो क्लॉक पल्स दे रहे हो फ्लिप फ्लॉप्स को, वो अलग अलग होता है बेसिकली, वो एक नहीं होता है, वो क्या है कि और अलग अलग टाइम पे आप देते हैं, देर इज अ टाइम डिले। ठीक है, तो हमने क्या बताया आपको कि जो आपके ये फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनमें आपने जो इन, अगर आप क्लॉक पल्स दे रहे हो दैट आर, वो अलग अलग टाइम पे आप दे रहे हो उसको एक साथ ना देके, तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनियस काउंटर। ठीक है, और अगर आप एक ही टाइम में सारे फ्लिप फ्लॉप्स को एक ही टाइम में आप क्लॉक पल्स दे रहे हो तो डेट इज कॉल्ड योर सिंक्रोनस काउंटर। तो ये सब है इस चैप्टर में, ये सब आपको पढ़ना है। तो बेसिकली मैंने जो बताया इसको लेट अस कंक्लूड करते हैं। आपको ये तो सारा टॉपिक हो गया, लेकिन अगर आप इस सिलेबस को सिर्फ उतना पढ़ें जितना कि आपको ये क्लियर करें, तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे आप ओपैम, सेकंड पढ़ोगे रेक्टिफायर, थर्ड पढ़ोगे ओसिलेटर, फोर्थ पढ़ोगे आप काउंटर्स एंड एडीसी एंड डैक, एंड फिफ्थ पढ़ोगे आप
रेगुलेटर, ठीक है। तो ये पांच टॉपिक जो है इट विल कवर 90% ऑफ सिलेबस, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन नॉट स्कीप दिस टॉपिक व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMI एग्जाम, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दैट, ठीक है। तो मैं जब से आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए तो हम अलग से क्लास लेंगे। यहाँ पे जो मैं आज की क्लास है, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट यू कैन स्किप। तो जो मैंने टॉपिक नहीं लिखे हैं, यू कैन थिंक अबाउट दैट, बट यू कैन नॉट थिंक टू स्किप दीज टॉपिक्स, इट्स माई हम्बल एडवाइस। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर AMI एग्जाम, देन you have to change your approach, you have to change your approach, because you are going to face both kind of questions in your exam, like objective as well as your descriptive type of exam. So you have to prepare, you have to learn how to write, and you have to prepare how to give a quick answer. In both way you have to prepare. So अगर दूसरी जो इसमें एक जो दूसरी बात है, दैट इज़ ऑल्सो, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा अलग है, तो इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू मेक ए स्ट्रेटजी टू हिट दिस सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट। और ये इट इज़ नथिंग, जो आज मैंने आपको बताया, दैट इज़ नथिंग अबाउट योर आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स के डीप नी का नहीं था ये, इट इज़ ऑल अबाउट What to study, ठीक है। और आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी ग्रिप्स और क्या क्या इसमें है वो पता लगे, उसके लिए क्लास ली गई थी। आप लोग इसको देखिएगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बाकी अलग अलग टॉपिक्स को हम अलग अलग क्लास में पढ़ाएंगे, अलग अलग डिस्कस करेंगे। और अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट योर कन्फ्यूजन, योर कमेंट्स इन कमेंट बॉक्स, और जो दिए गए नंबर से नीचे मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट के, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर क्वेरी, फॉर फर्दर कन्फ्यूजन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू सीइंग दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।